स्टूडेंट वेलकम। आज हम अंग्रेजी भाषा के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हम अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और लैटिन की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हम लैटिन भाषा की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी भाषा का जन्म तथा उद्भव 5वीं शताब्दी से माना जाता है। यह पश्चिम जर्मेनिक भाषा है। इसका जन्म एंग्लो सैक्सन और रोमन आर्मी के सैनिकों के सम्मिश्रण से हुआ था। वहां से यह विभिन्न बोलियों के रूप में इंग्लैंड पहुंची। यही इसका प्रारंभिक रूप था। सन 1066 में नॉर्मन आक्रमण के बाद यह ओल्ड इंग्लिश बनी, जिसे मध्यकालीन अंग्रेजी भी कहा जाता है। ईसवी सन 1500 के बाद अंग्रेजी का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। अतः अंग्रेजी के विकास के तीन चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रारंभिक काल। यह काल ईसवी सन 500 से ईसवी सन 1100 तक चलता है। नंबर 2, मध्यकाल। यह काल ईसवी सन 1100 से ईसवी सन 1500 तक चलता है। नंबर 3, आधुनिक काल। यह काल ईसवी सन 1500 से वर्तमान तक चलता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन या लैटिन है। लैटिन एक ऐसी भाषा है जो लुप्त हो चुकी है, किंतु इसकी लिपि, जिसे लैटिन लिपि या रोमन लिपि कहा जाता है, अभी तक जीवित एवं सक्रिय है। अंग्रेजी भाषा इसी रोमन लिपि में लिखी जाती है। लैटिन भाषा को वेटिकन सिटी में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। लैटिन भाषा को रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म में अभी भी धर्म भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा में 20 वाउल अर्थात स्वर तथा 24 कंसोनेंट अर्थात व्यंजन होते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी में कुल 44 साउंड्स हैं। हमारे अगले वीडियो में हम अंग्रेजी भाषा के 20 वाउल अर्थात स्वर का अध्ययन करेंगे। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।